मेरे मौजूद असातिज़ाए किराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है हुस्ने इखलाक। इखलाक दुनिया के तमाम मजाहिब का मुश्तरका बाब है जिस पर किसी का इख्तलाफ नहीं। इंसानों को जानवरों से मुमताज करने वाली असल शय इखलाक है। जिस माशरे में इखलाक ना पैद हो वो कभी तहजीब याफ्ता नहीं बन सकता, और इस्लाम और इसमें कभी रवादारी, मसावात और भाईचारा परवान नहीं चढ़ सकता। इखलाक के बगैर इंसानों का गिरोह इंसान नहीं बल्कि जानवरों का रेवड़ कहलाएगा। रूहानी तवानाई बद इखलाकी एक सिफली जज्बा है जो कि एक इंसान को रूहानी तवानाई से महरूम कर देता है और अकल को कुंद कर देता है। इस्लाम में ईमान और इखलाक दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक मुसलमान की पहचान ही उसने इखलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो आला इखलाकी किरदार को ही मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब अपने इखलाक को दुरुस्त कर लें क्योंकि इसी में इंसानियत की बका है।